हे दोस्तों, गाड़ी ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिस्ट लेकर आए हैं टॉप 5 अपकमिंग कार्स बाय टाटा मोटर्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली 5 सबसे जबरदस्त गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं जो कि भारतीय बाजार में साल 2022 में आ रही है। तो ये बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे नंबर 5वीं। दोस्तों, इस गाड़ी का नाम है टाटा एल्ट्रोस इलेक्ट्रिक। दोस्तों, ये एक प्रीमियम हैचबैक है जिसको टाटा जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर रही है। टाटा एल्ट्रोस का ये दोस्तों इलेक्ट्रिक वेरिएंट में आपको 8 साल की वारंटी लाइफ देखने को मिलती है। दोस्तों, टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को आप एक बार फुल चार्ज कर 350 किलोमीटर तक चला सकते हैं। गाड़ी की टॉप रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की और टाटा एल्ट्रोस ईवी की जो कीमत भारतीय बाजार में आकी जा रही है वो 7 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये के बीच में हो सकती है। नंबर 4 दोस्तों, ये है टाटा की सियेरा इलेक्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद सियेरा का एक नया वर्जन भारतीय बाजार में आ रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक वर्जन, जिसको 2020 में चल रहे इंडिया ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। ये गाड़ी डिज़ाइन वाइज एक SUV है जिसमें 5 लोगों की बैठने की जगह देखने को मिलती है। टाटा सियेरा इलेक्ट्रिक की दोस्तों फुल रेंज है वो है 400 किलोमीटर की। एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर चल सकती है। टॉप रफ्तार है दोस्तों इस गाड़ी की 150 किलोमीटर प्रति घंटे। इस गाड़ी को बनाया गया है MPACT 2.0 प्लेटफॉर्म पर और इस गाड़ी की दोस्तों कीमत मानी जा रही है वो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। कार नंबर 3 दोस्तों, यह है टाटा नैनो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से भारतीय बाजार में पेंडिंग गाड़ी जो नैनो था वो हो सकता है इस साल 2022 में आ जाए। टाटा नैनो इलेक्ट्रिक दोस्तों कई बार भारतीय बाजार में टेस्टिंग के दौरान नजर आई। टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की जो दोस्तों रेंज मानी जा रही है, एक चार्ज में ये गाड़ी 160 किलोमीटर तक चल सकती है। टॉप स्पीड इस गाड़ी की मानी जाती है करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ पर इस गाड़ी की जो कीमत हो सकती है वो 2 से 4 लाख रुपये के बीच में हो सकती है और ये भी गाड़ी 2022 तक आ सकती है। कार नंबर 2 दोस्तों, ये है टाटा की ईविजन। ई विजन दोस्तों एक लग्जरी प्रीमियम सेडान है जिसको कहा जाता है, हम इसे मान सकते हैं कि टेस्ला की टक्कर की गाड़ी है, जिसकी रेंज है एक चार्ज में 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में। टाटा ई विजन को बनाया गया है अल्फा AMP प्लेटफॉर्म पर और इस गाड़ी की जो टॉप रफ्तार है 150 किलोमीटर हो सकती है। यह गाड़ी दोस्तों सबसे पहले 2018 में चल रहे जिनेवा मोटर शो में दिखाया गया था और यह गाड़ी भारत के अलावा भी स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी लॉन्च होगा। यूरोप अमेरिका में भी गाड़ी लॉन्च हो सकती है। भारतीय बाजार में दोस्तों बात करें टाटा ई विजन की कीमत क्या हो सकती है तो वो 25 से 30 लाख रुपये मानी जाती है। नंबर 1 गाड़ी तो दोस्तों ये था टाटा की प्रीमियम सेडान। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से टाटा ने कोई प्रीमियम सेडान नहीं लॉन्च किया है। दोस्तों आने वाले समय में आपको टाटा की एक नई प्रीमियम सेडान टाटा प्राइमा देखने को मिल सकती है। यह गाड़ी दोस्तों भारतीय बाजार में लॉन्च होते ही सीधा कॉम्पिटिशन करने वाली है होंडा सिटी, CS, वरना जैसे गाड़ियों के साथ। इस गाड़ी का डिज़ाइन की बात करूँ तो दोस्तों ये एक sub 4 meter के ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी है। इस गाड़ी में टाटा ने अपना बिल्कुल नया इंजन इस्तेमाल कर सकती है जो कि 1.5 liter का पेट्रोल इंजन होगा। यह गाड़ी दोस्तों अब तक की सबसे पावरफुल टाटा कार भी हो सकती है सेडान्स के मामले में। इस टाटा प्राइमा की दोस्तों कीमत मानी जाती है वो 9 से 12 लाख रुपये हो सकती है और ये गाड़ी 2022 में एक्सपेक्ट की जा रही है कि भारतीय बाजार में हो जाए लॉन्च। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 कार जो कि भारतीय बाजार में आ सकते हैं इस साल। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गाड़ी ज्ञान को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।